हेलो एवरीवन, मैं हूं मुबशिर सैयद जेई लाइफ चैनल से, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स के बारे में। तो ये सारी ट्रिक्स वैदिक मैथमेटिक्स से ली गई हैं, और इससे हम लोग बहुत सारे टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब बहुत सारे मॉडल्स ऑफ नंबर्स, उसको बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले छोटे नंबरों से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो नंबर दिया हुआ है, एक है 98, एक और आपको मल्टीप्लाई करना है इसको 92 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस ये देखना है कि ये 98 जो है ये 100 से कितना कम है। तो 98 100 से 2 कम है, और 92 जो है 100 से 8 कम है, ठीक। अब आपको क्या करना है, 98 में से 8 को माइनस कर लीजिए, या फिर आप 92 में से 2 को माइनस कर लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। 98 में से 8 को माइनस कीजिएगा तो 90 आएगा, 92 में से 2 को माइनस कीजिएगा तो भी 90 आएगा। तो अब आप यहाँ पे 90 लिख लीजिए, और अब 8 × 2 = 16 लिख दीजिए, तो ये आपकी आंसर हो गई, ठीक है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल एक ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है 93, और है आपके पास कुछ और ले लीजिए, 97 ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए 93 100 से कितना कम है, 7 कम है। 97 100 से कितना कम है, 3 कम है, ठीक है। अब आप माइनस कर दीजिए, 93 माइनस 3 90, और 73 21, तो ये आपकी आंसर हो गई, ठीक है। तो यहां बस एक चीज आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे ये जो दोनों नंबर है आपके, ये 100 से कम है, दोनों नंबर आपके 100 से कम है। वैसे ही कुछ ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है कि जब दोनों नंबर आपके 100 से ज्यादा हो, जैसे कि आपको मल्टीप्लाई करना है 101 × 105, तो ये कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है, ठीक है। तो 1 प्लस 5 106 हो गया, 101 + 5 और 5 × 1 = 05, ठीक है। दो डिजिट में आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली 109 × 100 कुछ और ले लीजिए, 103 ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपको 9 ज्यादा है 100 से, ये आपको 3 ज्यादा है 100 से, ठीक है। तो 9 + 3 = 112, और 9 × 3 = 27, तो ये आपकी आंसर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक चीज याद रखिएगा, ये जो ट्रिक है ये वैसे नंबर्स के लिए है, या तो नंबर 90 से 100 के बीच में हो, ठीक है, या फिर नंबर आपके 100 से 110 के बीच में हो। ये दोनों ही नंबर 100 से 110 के बीच में हो, या ये दोनों ही नंबर 90 से 100 के बीच में हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक नंबर 100 से आपका नीचे हो और एक नंबर 100 से ऊपर हो। वैसे नंबर्स के लिए भी हमारे पास ट्रिक्स हैं, लेकिन वो तीन स्टेप की ट्रिक है। तो तीन स्टेप की ट्रिक में क्या हो जाता है कि टाइम आपको फिर से उतना ही लग जाएगा जितना नॉर्मल कैलकुलेशन में लगता है, तो इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। हम लोग वैसी ट्रिक्स को देख रहे हैं और वैसे नंबर्स के केसेस देखेंगे जिसमें कि हमारा नॉर्मल कैलकुलेशन से बहुत कम टाइम लगे और हम आसानी से दिमाग में कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसको हम लोग एक्सपैंड करते हैं। ये वैसे नंबरों के लिए मैंने बात की जो 100 के आसपास थे, ठीक है, या तो 90 से 100 के बीच, या 100 से 110 के बीच। वैसे ही अब हम लोग इसको एक्सपैंड करके कुछ बड़े नंबर्स पे भी जा सकते हैं, वैसे नंबर्स की बात कर सकते हैं जो कि 1000 के आसपास हो, ठीक है। जैसे कि आप देखिए 1000 के आसपास नंबर की बात कीजिए, तो मान लीजिए एक आपको है 992, एक है आपकी 995, ठीक। लॉजिक हमारा मेथड वही सेम है, ये 1000 से 8 कम है, और ये 1000 से 5 कम है, ठीक है। तो अब आप देखिए 992 माइनस 5 ये हो जाएगा आपका 987, ठीक है, और अब 885 40, तो 040 लिखेंगे क्योंकि ये 3 डिजिट में आएगा, ठीक है। ये 3 डिजिट नंबर ले लिया है, तो 040 लिखेंगे, ठीक। वैसे ही अब आप कुछ और ले लीजिए, मान लीजिए कि मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं। आप कुछ 991 ले लीजिए, 998 ले लीजिए। तो चलिए, अभी तक तो मैं आपको समझा रहा था, तो मतलब काफी थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो अब जो है मैं जल्दी से इसको करके देखता हूँ कि कितना टाइम लगेगा। तो 991 9 का है, 998 2 का है, 991 - 2 = 989 - 2 = 18, तो ये आपकी आंसर होगी, ठीक है। तो 2 सेकंड लगा, 3 सेकंड लगा मैक्सिमम, ठीक। अब देखिए कुछ सिमिलरली इसमें भी हम लोग वैसे केसेस ले सकते हैं जो कि आपके 1000 से ज्यादा हो थोड़े, जैसे कि आप 1009 ले लीजिए और 1000 कुछ और ले लीजिए, 1003 ले लीजिए। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब ये 9 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, तो 9 + 3 = 12, तो 1012, और 9 × 3 = 27, तो 027, तो ये आपकी आंसर होगी, ठीक है। एक दो केस और ले लेते हैं, कुछ और ले लीजिए, 1000
सिक्स ले लीजिए और थाउजेंड फोर ले लीजिए, तो ये सिक्स ज्यादा है, ये फोर ज्यादा है, सिक्स प्लस फोर टेन, तो थाउजेंड टेन ये हो गई आपकी, और सिक्स फोर ट्वेंटी फोर, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही इसी चीज का ध्यान रखना है कि दोनों नंबर या तो थाउजेंड से कम हो या दोनों नंबर थाउजेंड से ज्यादा हो। तो बेसिकली इसमें नंबर आपके कहाँ से कहाँ होने चाहिए, 990 से थाउजेंड के बीच में या तो नंबर हो, या फिर नंबर आपके थाउजेंड से थाउजेंड टेन के बीच में हो। वैसे ही सेम मेथड को हम लोग 10,000 के आसपास की भी बात कर सकते हैं, मतलब 9,990, ठीक है, 9,990 से 10,000 के बीच अगर दोनों नंबर हो, या फिर 10,000 से 10,010 के बीच में दोनों नंबर हो, तो फिर से इसको इसी तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल उसका देख लेते हैं। इसे मान लीजिए आपके पास 9,992 हो, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 9,996 से, ठीक है। तो ये 1000 से कितना कम है, 8 कम है, ये कितना कम है, ये आपका 4 कम है, तो 9992 माइनस 4 तो ये हो जाएगा आपको 9988, ठीक है, और 8432 तो ये 32 है, चूंकि चार डिजिट का है तो इसको हम लोग 0032 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी आंसर हो गई, ठीक है। तो देखिए इतना बड़ा आपका दो नंबर था, उसको आपने कितनी आसानी से 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर लिया। तो इसी तरह की बहुत सारी ट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक्स, डिवीजन की ट्रिक, स्क्वायर वगैरह की ट्रिक, स्क्वायर रूट की ट्रिक, ये सारी ट्रिक्स वैदिक मैथ से हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।